अरे एक एक करके निशाना लगाइए। हाँ। क्योंकि ये गुलेल चिड़िया उड़कर कहीं नहीं जाने वाली है। हाँ, कर ले। शाबाश शाबाश, छोड़ छोड़ निशाना लगाना आता ही नहीं है, तो हम निशाना कैसे लगाएगा? डोंट वरी मछली, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अरे मेरा निशाना एकदम पक्का है, पक्का। शुद्धि? मच्छी? या? फिश? फिश। चलो। ले ले ले। ये देखा? तुम सही बोला था कॉपी, तुम्हारा निशाना एकदम बहुत अच्छा है। हमें भी ना गुलेल वाली चिड़िया से निशाना लगाना है। कोई नई बात नहीं है मेंढक कहीं के, तुझसे ऐसा निशाना लगवाऊंगा कि तुझे मजा आ जाएगा। आ जा। तेरा फ्यूचर हस्बैंड, मौका मिलते ही नजदीकियां बढ़ाना। क्यों डॉटर? हाँ मदो। और मेंढक द बुद्धू, एक बात सुन मेरी ध्यान से, जितनी मोटी पे निशाना लगाएगा ना उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है भाभी। चल खींच खींच, थोड़ा ऊपर रखना। शाबाश शाबाश, चल। शेख फलाना मिल गया मुझे, अब नहीं छोड़ूंगा। मोटी वाली पे निशाना लगा रहा ना क्वेश्चन मार्क? हाँ भैया, एकदम मोटी वाली पर निशाना लगा रहे। मत जान लो। अरे यार ये किसको लग गया? ये तो मेरी जान लेने की बात कर रहा है। भागना मत, जान लो। नहीं जान लो, भागना नहीं। अरे ये क्या कर लिया मैंने? क्वेश्चन मार्क। भाभी वो आदमी तो भैया के पीछे भाग गया। डॉक्टर डॉक्टर, भैया को बचाना चाहिए। चलो चलो भैया, भैया बात करने का तो मौका ही नहीं मिला। क्यों मदर? हाँ डॉटर, लेकिन तू चिंता मत कर, ऐसे और बहुत मौके आएंगे। सर, सिर्फ फलाना दिखा क्या? दिखा, पर उसने मुझे देख लिया
और मुझे देखकर भाग गया। शायद उसने मुझे पहचान लिया था। पर जान लो हमें शेख फलाना को किसी भी कीमत पर पकड़ना है। लेकिन हो सकता है वो रनुसा से चला गया हो सर। हो सकता है। पर शेख फलाना का इस रण उत्सव में दिखना यानी वो जरूर यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला है। और अगर ऐसा है तो वो यहाँ जरूर वापस आएगा। हमें उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना है। चलो अरे इधर है भैया। आप ठीक तो हैं? कहाँ थे और इतना हाफ क्यों रहे? ठीक तो है भैया की हालत देख के लगता है कि भैया की बहुत जोर जोर से पिटाई हुई है। क्या आप उनके ब्रैकेट में आ गए? मतलब उन्होंने आपको पकड़ लिया? अरे वो पैसेंजर हावड़ा को कैसे पकड़ सकती है? वो मुझे पकड़ ही नहीं पाया। आज इस मेंढक की वजह से टेंशन टाइट हो जाती। और मेंढक कहीं के तूने अपना निशाना क्यों बदला? भाभी आपने तो कहा था कि जितनी मोटी को निशाना लगाएगा उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो हम ना वहाँ पर खड़ी बहुत मोटी आंटी को निशाना लगा रहे थे। वो गुलेल वाली चिड़िया गलती से कहीं और लग गई। अरे मेंढक प्रसाद, मोटी मतलब मोटी आंटी नहीं, फुल स्टॉप। डूबा डूबा गेम जोन की मोटी गुलेल चिड़िया। बोका का बोका ही रहेगा ये। सुनिए सुनिए सुनिए। अरे सुनो, कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो रही है। आप सुनने तो दो। हमारे रन फेस्टिवल में आए सभी दोस्तों का मैं प्रेम चावड़ा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लेकिन क्यों? थैंक यू। क्योंकि कल हमारे रन उत्सव में होने वाला है एक शानदार फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। क्योंकि फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में मस्ती है, मजा है, फन है अनलिमिटेड। ये ओपन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जो भी हमारे दोस्त पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कल दोपहर 2 बजे हमारे मेन गेट के पास पहुंच जाए। ओके। जीतने वाले को रण उत्सव की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। मैं जीतूंगा ये इनाम, मैं ही जीतूंगा। और फ्री पैरासेलिंग राइड दी जाएगी। तो देर किस बात की, आप हमारे रण उत्सव के बाजार से फैंसी ड्रेस किराए पर लीजिए और जीतिए 10,000 का इनाम। अच्छा लेकिन सुनो, रात को गरबा खेलना है भूलना मत। ए हेलो भैया। हेलो नी, हालो हालो। ए हाँ हाँ हाँ, हालो। हाँ हालो। आधी रात को ये आवाज कैसी आ रही है? केशु, कौन है? कौन है वहां? मैं
बहन जी कौन है आप? रोशनी में आइए ना जरा। कैसे हो केशु? केशु? केशु कहकर तो सिर्फ चिड़िया मुझे बुलाया करती थी। हम चिड़िया ही है केशु। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वैसे भी तुम्हारी आवाज चिड़िया जैसी बिल्कुल नहीं है। तुमको तो पता है ना, हमको इमली कितनी पसंद है। स्वर्ग में ना हमको फ्री फंड की इमली मिल गई, तो हमने ना खा ली। हमारी आवाज खराब हो गई केशु। हरिओम हरिओम, अगर तुम वाकई चिड़िया हो तो अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? केशु तुम तो बूढ़े हो गए हो बूढ़े। हाँ। बड़ी जल्दी हाँप गए, भूल गए शादी के बाद नेहरू पार्क में जब हम घूमने जाते थे तो फट से झट करके तुम हमारा हाथ पकड़ लेते थे। तुम्हें ये कैसे मालूम है कि शादी के बाद चिड़िया और मैं नेहरू पार्क में जाया करते थे? हम कह तो रहे हैं कि हम तुम्हारी चिड़िया हैं। अगर तुम चिड़िया हो तो अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? तुम सामने आओ। हमारा ना आज बट सावित्री का उपवास है, तुम्हारी लंबी आयु के लिए, इसलिए नहीं दिखाएंगे चेहरा। मैं नहीं मानता कि तुम चिड़िया हो। अगर तुम चिड़िया हो तो तुम इतनी इतनी मोटी कैसे हो गई? तुमने ही तो मोटा किया है हमको। श्राद्ध में जो खाना हमको खिलाते हो ना, रसगुल्ले लड्डू पेड़ा बतासे गुलाब जामुन, वो खा खा कर हम फल फूल गए। तुम्हारी हर बात चिड़िया की तरह, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा। बाबूजी, क्या किससे बात कर रहे हैं बाबूजी? बेटा, तेरी सासू माँ आई है स्वर्ग से मिलने के लिए। ये देख, चिड़िया कहाँ गई? चिड़िया आई थी बेटा। लगता है बाबूजी को ना चिड़िया अम्मा की बहुत याद आ रही है। मैंने मछली को बोला था कि ठीक 9 बजे आ जाना, लेकिन अभी तक नहीं आई। वो क्या रहा है यार? मछली? ये तो मछली है ना? हाँ डॉटर, मैंने मेंढक से सब पता कर लिया है। ये मछली है, इनकी पड़ोसन। लेकिन ये इतनी रात को क्या कर रही है? पता करना पड़ेगा। क्यों डॉटर? हाँ मदर। अरे बेटा तू, अरे तुम इतना रात को हमको यहाँ क्यों बुलाई? मछली, वो चांद तो देखो कितना खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें यही दिखाना चाह रहा था। है ना खूबसूरत? हेलो, अरे अब
बालू को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे बालू नहीं, भालू। भालू माने अच्छी। अच्छा चांद यहाँ पे सचमुच बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। अरे मछली ये तो कुछ भी नहीं है। हा? रण के चांद तारे देखने का मजा ही कुछ और है। उच्ची, मैं कल रात को तुम्हें रण ले जाऊंगा, तुम खुश हो जाओगी देखना। तुम हमको रात को यहाँ पे चांद दिखाती है, रण में सुबह का सूरज दिखाती है। बात की है? कुछ नहीं मछली, कुछ नहीं। वो एक्चुअली तुम्हारे साथ मुझे टाइम बिताना अच्छा लगता है। मच्छी फिश। दोनों भाइयों के साथ प्यार, ये मछली तो कुछ ज्यादा ही गहरे पानी की मछली नजर आती है, क्यों डॉटर? हाँ मदर, ये मछली तो ना कुछ ज्यादा ही एडवांस लगती है, इसके बारे में ना कपी जी को पता चलना ही चाहिए, क्यों मदर? हाँ डॉटर। देख रही हो चांद? अकेले जाएंगे? सोची भाला भाई नहीं आएगा बालू। कपी? बालू? कपी कहाँ थी? दीनी, दीना चल बे। अरे चुप चल बे, इधर बैठ। ना चल बे। सुन तो सही तू। कपी और हम कल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन की बातें कर रहे थे। कंपटीशन की तैयारी करनी है कि नहीं? कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप? बढ़िया बढ़िया। हेलो जी। Hello. कैसे हैं? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक? मॉर्निंग वॉक तो सुबह ही करते हैं। मॉर्निंग वॉक करना हमारे चिड़ियाघर के संस्कार है। फुल स्टॉप। अच्छा जी, अरे रुकिए रुकिए, लेकिन जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपके चिड़ियाघर के संस्कार नहीं हो सकते, क्यों डॉटर? हाँ मदो, देखिए For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.